तो गाइस आज कई सप्ताह कई दिनों कई सालों कई माह और कई ज्यादा टाइम बाद मैं खेलता हूँ BGMI और मेरे पहले ही मैच में आ जाते हैं इस दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक ई स्पोर्ट के प्रो प्लेयर और उनके बीच में मैं घिर जाता हूँ। अब यार तभी आ जाता है मित पाटाह की वीडियो का नोटिफिकेशन। अरे क्या ही बोले, तो क्या मैं उस नोटिफिकेशन से जूझ के उन ई स्पोर्ट के खतरनाक प्रो प्लेयर को मार पाऊंगा या फिर नहीं, वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा। फिलहाल आए हैं पोचंकी में, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ से कूद के आगे की तरफ जाता हूँ तभी यह नल्ला मेरे ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक वाली फायरिंग कर देता है। पता नहीं कब से यह यहाँ पे कैंप करके बैठा था। तो मैं यहाँ पे फटाफट से एक बूस्टर मारता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्मोक कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ से चुपचाप भाग के निकल जाऊं। और भैया जैसे यहाँ से भागने का मैं ट्राई करता हूँ तभी यह दोबारा मेरे ऊपर फायरिंग कर देता है। अब मैंने कहा रुक जा बेटा अभी तुझे बताता हूँ। यहाँ से मैं एक नेड जैसे ही करने का ट्राई करता हूँ तभी ये नल्ला पीछे कूद जाता है। अब देखो वो बंदा यहाँ से पीछे की तरफ गया था तो मैं उसको ढूंढने का बहुत ज्यादा ट्राई करता हूँ लेकिन वो बंदा इतना बड़ा कैंपर है कि उसने कैंपिंग की सारी हदें पार कर दी है। मतलब उससे बड़ा कैंपर तो मैं भी नहीं हूँ यार, मैं भी थोड़ा बहुत बाहर निकल लेता हूँ लेकिन वो बंदा तो बाहर निकलने का नाम ले ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ चुपके बैठा था। अब देखो मैं आ जाता हूँ इस वाली ट्रिपल स्टोरी में, यहाँ से भी मैं उस बंदे को बहुत ज्यादा ढूंढता हूँ लेकिन वो बंदा मुझे मिलता नहीं है, बल्कि उसकी वजह मुझे मिल जाता है यहाँ पे एक बॉट और यहाँ पे एक और बॉट होता है जिसको मैं आगे जाके मारूंगा। बट उससे पहले मैं उसी बंदे को देख रहा था बार बार लेकिन वो बंदा दिखने का नाम ले ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ से भागते हैं और भागते भागते भी मैं उसी को ढूंढ रहा था लेकिन वो दिख ही नहीं रहा था, पता नहीं कौन से कोने में जाके बैठा है। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तभी मुझे ये वाला बॉट दिखता है जिसको मार के मैं उसी बंदे की तरफ देखता हूँ जिसने मुझे पहले मारा था। देखो ये एक ई स्पोर्ट प्लेयर की पहचान है कि उसको जो भी मारता है वो हर जगह ध्यान रखता है, कहाँ से फायरिंग आई थी कहाँ पे बंदा आया, हर जगह एक ई स्पोर्ट प्लेयर की यही तो पहचान है यार। ठीक है कुछ ज्यादा हो गया। अब देखो वो बंदा बाहर निकल के एक बॉट को नॉक करता है और उस बॉट का किल मैं चुरा लेता हूँ। तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और गुस्से में मेरे ऊपर रस करने आएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो और ज्यादा कैंप करने लगता है यार। अब देखो फाइनली पूरे के पूरे 8-10-2-3-10-15 घंटे के बाद वो बंदा वहां से निकल के जाता है और उसको मैं अपनी सातिर निकाह से देख लेता हूँ। अब वो जैसे ही वहां पर जाता है तो उसकी किसी बंदे से फाइट हो जाती है तो मैंने का यही मौका है, धर लेते हैं इसको। और इस बंदे को आखिरकार 4-6 घंटे की मेहनत के बाद मैं नॉक और फिनिश कर देता हूं और उसके बाद मैं थोड़ा सा चेक भी कर लेता हूं कहीं इसका कोई नल्ला टीममेट तो नहीं है जो यहां पे कैंप कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंपर भर गए हैं यार इस गेम में, क्या ही बोलूं मैं। अब देखो मैं वहां से गाड़ी उठाता हूं और आ जाता हूं अपार्टमेंट की तरफ, तभी मुझे यहां से कुछ फुट स्टेप आते हैं तो मैं यहां से बग्गी मुड़ाता हूं और देखने जाता हूं आखिर कौन सा एक नया खतरनाक प्रो प्लेयर आ गया लॉबी में। और ये देखो यहां पे तो एक बॉट है और एक और बॉट है, दो बॉट आपस में लड़ रहे हैं तो इनको मैं अपनी बग्गी से कुचल देता हूं। अभी देखो तुम्हें लगता होगा कि ये तो बॉट है यार, तू बॉट मार रहा है इसका मतलब तू भी बॉट है। अरे मेरा कद्दू मैं बॉट हूं यार, ये एक बहुत ही खतरनाक ई स्पोर्ट के प्रो प्लेयर है जो कि तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये देखो दोनों आपस में भैया भैया खेल लेते हैं इसलिए उन्होंने मुझको नहीं मारा यार, थोड़ा समझा करो। बेकार है भैया मैं तो टूट गया। अब देखो बंदों की तलाश में मैं जॉर्जोपोल आता हूं और यहां पे मुझे कोई बंदा मिलता ही नहीं है तो मैं यहाँ से वापस जा रहा था लेकिन तभी ये बंदा मुझे एक उम्मीद की किरण बन के दिखता है। ये क्या कर दिया मैंने, उसको एक मौका दिया था कि बच के भाग जा लेकिन ये भैया इस मौके को गलत समझ लेता है और ये यहाँ पर रुक जाता है। और मैंने कहा चल बेटा मौका मैं एक ही देता हूँ, बार बार मौका नहीं देता हूँ मैं, तो फटाफट से मैं यहाँ पे स्मोक कर लेता हूँ क्योंकि आसपास इसके काफी सारे टीममेट भी होते हैं जो मेरे ऊपर फायर करने लगते हैं। अब देखो यहाँ से हील वील करके मैं जैसे ही अपने पांव आगे की तरफ बढ़ाता हूँ तभी ये नल्ले बंदे मेरे ऊपर फायर कर देते हैं। अरे इनको पता नहीं है आखिरकार ये एक ई स्पोर्ट खतरनाक प्रो प्लेयर के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, मिलेगा सबको बराबर मिलेगा।
और यहाँ से मैं इसके एक खतरनाक सा स्प्रे मार देता हूँ, जिसको मारने के बाद मैं इसके पीछे पीछे भागता हूँ। मैंने कहा बेटा हेड मारा है, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये बंदा यार भाग जाता है और वहाँ पे जाके ग्रोजा चलाता है। मैंने बोला बेटा चलो कोई बात नहीं, तुम चलाओ ग्रोजा, तुम तो वहाँ पे जाके छुप गए, मैं घेर लेता हूँ तेरे टीममेट को, अभी देख तू। और आखिरकार इसको घेर लेता हूँ मैं और इसको पूरा फिनिश करूंगा। रुको तुम, ये ले बेटा। अब इसको जैसी पूरा फिनिश किया, तभी इसका टीममेट किसी का भाई किसी की जान करण अर्जुन के जैसे बदला लेने के लिए मेरे ऊपर रस करने आता है। और देखो मैं इसका क्या हाल करता हूँ। और भाई साहब जितनी तेजी से रस करने आते हैं उसी तेजी से लॉबी भी चले जाते हैं। अभी देखो ये देखो, ये एक स्क्रीन घुमाना, ये एक प्रो प्लेयर की पहचान है। देखा ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यार। और यहाँ पे आ जाते हैं बॉट भाई साहब, जो कि मेरी केडी बढ़ाने आया था। मुझे पता है इसको मेरी केडी से बहुत ज़्यादा प्यार है। हर बे जरबे चला आता है जब देखो मुंह उठा के कहीं ना कहीं, तो अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। अब देखो यार, जॉर्जो पुल से निकलने के बाद इस पूरे मैप का एक एक कोना घूमने के बाद मैं आ जाता हूँ सिवर्नी। मुझे लगा शायद यहाँ पे एक आध बंदा मिल ही जाएगा, लेकिन पता नहीं बंदे कौन से मैप के, ऐसा कौन सा कोना है मैप के अंदर, या फिर ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सारे के सारे बंदे जाके बैठ गए, एक भी बंदा मिल ही नहीं रहा। पता नहीं कौन से कोने में जाके बैठ गए, बड़ा ज़्यादा दिमाग खराब है मेरा यार। बंदे कम होते जा रहे हैं, किल मिल नहीं रहे, क्या करा जाए, जिंदगी में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है। अब देखो एक थक और एक हार के बाद मैं ड्रॉप पे आता हूँ और यहाँ पे मुझे मिलती है MG3। एक पल को मैंने सोचा MG3 ले लेते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो यार, अपन लोग तो ई-स्पोर्ट के प्रो प्लेयर हैं, पिस्टल से भी मार देंगे। लेकिन गुरु जाती मेरे पास, इसलिए मैंने MG3 नहीं ली, क्योंकि गुरुज अभी एक खतरनाक गन है यार। तुम्हें क्या पता तुमने खेला गेम मेरा कद्दू। ये देखो अभी यहां से मुझे दिख जाएगा एक प्रो प्लेयर, जो कि तुम में से किसी को नहीं दिखाऊंगा, मुझे पता है। अभी देखो इसका क्या हाल करता हूं मैं। और आखिरकार मैंने इसको नॉक कर ही दिया, पता नहीं पूरे मैप में कहां भटक रहा था, अब जाके मिला है। लेकिन यार है तो ये भी बॉट। अरे बंदे कहाँ गए, बंदा बात से बंदा होता है, कहाँ गया बंदा यार, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, पता नहीं कहाँ पर है बंदे। अब देखो इसको मारने के बाद मैं आगे की तरफ आता हूँ और मुझे एक और बॉट मिल जाता है। अरे यार क्या मतलब कि मैं एक बॉट लॉबी में खेल रहा हूँ। अरे नहीं यार, ये एक प्रो लॉबी है, वो तो आपस में भैया भैया खेल रहे हैं, इसलिए वो लोग मुझे नहीं मार रहे हैं, वरना तुम्हें पता मेरा कद्दू। अब देखो यार, मैंने कम से कम 8-10 गाड़ियां चेंज कर ली, पूरे मैप का कोना कोना छान मारा मैंने। इतना तो मैं अपनी जिंदगी में नहीं घूमा जितना मैं इसे मैच के अंदर घूम लिया। अब देखो पीछे से आती है फायरिंग, तो मैं गाड़ी से उतर के देखता हूँ वहां पर, और एक पल को मुझे बंदा दिख जाता है, लेकिन अपने नोकिया 333 में वो बंदा बाद में गायब हो जाता है, पता नहीं कहां चला गया। तो मैंने यहां से इसको थोड़ा सा और जूम कर लिया, लेकिन वो बंदा मुझे यहां पर दिखता ही नहीं। अरे यार बड़ा दिक्कत है जिंदगी में, फोन भी तो नहीं है यार, अब वहां पे जाके मारना पड़ेगा उसको। अब देखो मैं यहां पे आ जाता हूं और ये देखा तुमने, तुम ये मत देखो कि मैंने बॉट को मारा, तुम बस ये देखो कि मैंने क्या स्पीड से स्मोक नहीं बल्कि अपना स्कोप उधर पहुंचाया। अरे यही तो एक ई-स्पोर्ट प्लेयर की पहचान है यार, तुम भी तो यार, तुम मतलब क्या देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि मैं बॉट मार रहा हूं, यही तो देख रहे हो, लेकिन ये देखो कि मैं किस तरह से मार रहा हूं। अरे भैया गेम प्ले देख के कुछ सीख जाओ भैया, उखाड़ लोगे अपनी जिंदगी में तुम लोग कुछ यार, मेरी तरह गेम प्ले करा करो यार। अब देखो मैं ये गेम प्ले खेल रहा था 9 बजे, तो पीछे से आवाज आती है बेटा खाना खा ले, तो मैंने का अभी 2 मिनट रुको, अभी मैं गेम खत्म करके खाना खा लेता हूँ। लेकिन यार एक और आवाज आती है पीछे से, आ रहा है रख दे फोन, नल्ले बेरोजगार कितना फोन चलाएगा, पूरा दिन पबजी करता रहता है, अरे जिंदगी में कुछ उखाड़ ले यार। तो मैंने कहा यार अभी 2 मिनट रुक जाओ, गेम खत्म होने ही वाला, लेकिन गालियां पड़ रही थी बहुत बुरी तरीके से। तो मैंने कहा यहां से लेट के फटाफट सारे बंदे देख के बंदे खत्म करके गेम खत्म करके खाना खा लेता हूँ, लेकिन तभी एक और गाली आती है पीछे से, आ रहा है रख दे फोन, खाना खा ले, पबजी की वजह सब कुछ भूल जाएगा अपनी जिंदगी में तू यार। अब देखो घर वालों की तरफ से गालियां पड़ रही थी, बराबर गालियां पड़ रही थी, तो मैंने सोचा बंदे तो मिलेंगे नहीं, नीड मार के अपनी जिंदगी खत्म करके खाना खा लेता हूं। लेकिन तभी मेरे मन ने कहा फ्री फैंड का चिकन डिनर मिल जाए फोकट का, तो कौन छोड़ेगा यार। अब देखो बंदे तो मिल नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा तुम लोगों को अपना स्प्रे दिखाऊं यार, तुम्हें भी तो दिखाऊं कि मैं क्या खतरनाक प्रो प्लेयर हूं, इससे पूरी BGMI की वर्ल्ड का यार। देखो स्प्रे देखो कोई मान ले ऐसा स्प्रे, अगर ऐसा स्प्रे किसी ने मान लिया तो मैं कागज पे अपना नाम लिख दूंगा, देखो तो एक बार यार।
ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ पे हो जाता हूँ मैं ऑफलाइन, मैं हो जाता हूँ यहाँ पे ऑफलाइन और एक बॉट मेरे ऊपर गोलियां मार मार के मुझे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। और तभी मैं यहाँ पे जल्दी से ऑनलाइन आता हूँ और मैं निकालता हूँ अपनी गुरुज और इसके हेड पे 3-4 गोलियां मार के इसका करियर यहाँ पे खत्म करता हूँ। यार मतलब यार इसने तो हद्दी कर दी, मैं ऑफलाइन क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे बचाता सिर्फ और सिर्फ एक बंदा, सिर्फ एक बंदा, और घर वालों की तरफ से गालियों की जो संख्या थी वो बढ़ी जा रही थी, गालियां आए जा रही थी। और तभी यहाँ पे आता है मित पाटाहा की वीडियो का नोटिफिकेशन। मतलब देख रहे हो तुम, एक बंदा बचा है, इंटेंस सिचुएशन है, इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है और यहाँ पे ये वीडियो अपलोड हो रही है। अरे मैंने कहा आज वीडियो देख लेता हूँ जाकर, लेकिन तभी यहाँ पे ये बंदा मुझे दिख जाता है और मैं इसको जैसे ही मारता हूँ तो मैं भाग जाता हूँ। इसकी वीडियो देख ले भैया, मित पाटाहा की वीडियो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो यार, तुमने तो ना अभी तक इस वीडियो को लाइक किया है, ना कमेंट किया है, ना चैनल को सब्सक्राइब किया है, ना इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है। तीनों चारों चीजें करो, उसके बाद जाना, ठीक है? करो जल्दी से यार।